और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देकर रूस को बेहद नाराज कर दिया है। खबर है पुतिन ने डंके की चोट पर कहा है कि रूस के हजारों की तादाद में कई तरह के क्लस्टर बम हैं। अगर यूक्रेन क्लस्टर बम से हमले करेगा तो रूस यूक्रेन पर क्लस्टर बमों की बारिश कर देगा। लेकिन जरा इधर देखिए कि जेलेंस्की की हिम्मत को देखकर बाइडेन को भी अब लग रहा है कि पुतिन से लड़ा जा सकता है। इसीलिए अमेरिका और नेटो ने 3000 फाइटर जेट वाली फोर्स तैयार करनी शुरू कर दी। इस फोर्स के टारगेट पर मॉस्को है और पुतिन का सबसे बड़ा खास ठिकाना क्रेमलिन भी इस टारगेट पर है। पुतिन की पावर को खत्म करने के लिए बाइडेन को कितने फाइटर जेट चाहिए, कितनी एयर पावर चाहिए, कितने लड़ाकू विमान हों जो मॉस्को पर चढ़ाई कर दें, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर रूस के हर बड़े शहर पर कहर मचा दें। क्या बाइडेन का काम 500 फाइटर जेट से चल जाएगा या फिर उनको 1000 लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ेगी? बाइडेन तो 1500 फाइटर जेट का भी इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन सच ये भी है कि उन्हें इससे भी ज्यादा 2000 लड़ाकू विमान की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन क्या इसमें उनका काम हो पाएगा? सवाल है कि आखिर बाइडेन को कितने फाइटर जेट की जरूरत होगी? यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच पुतिन को रोकने या फिर उन्हें मारने का प्लान इससे भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बाइडेन और उनके नेटो गुट ने इससे भी ज्यादा फायर पावर इकट्ठा करने का फैसला किया है। अमेरिका और नेटो मिलकर अब 3000 से भी ज्यादा फाइटर जेट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें अमेरिका के ही 1500 से ज्यादा लड़ाकू विमान हो सकते हैं। इसमें फ्रांस के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान हो सकते हैं। इसमें जर्मनी के 230 से ज्यादा फाइटर साथ आ सकते हैं। इसमें ब्रिटेन के 200 फाइटर जेट की मदद मिल सकती है। इटली के 160 फाइटर जेट भी साथ जाएंगे। स्पेन से भी करीब 150 लड़ाकू विमान की मदद मिल जाएगी और पोलैंड जैसी छोटी वायुसेनाओं से 60 फाइटर प्लेन साथ ले सकते हैं। क्या इतने विमानों से बाइडेन का काम चल पाएगा कि वो मॉस्को पर बमों की बरसात कर दें? इस वक्त यूरोप के हर एयरबेस को बहुत ज्यादा एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट रोज किसी न किसी मिशन के लिए लगातार लॉन्च हो रहे हैं। कोई वॉर एक्सरसाइज कर रहा है तो कोई पेट्रोलिंग पर निकला है ताकि रूस के विमानों को खदेड़ सके। ये वीडियो पुतिन को डरने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि खतरा परमाणु हमले का भी है। ये अमेरिका का F-35 है। ये स्वीडन का ग्रिपन है। ये ब्रिटेन का यूरोफाइटर है। यहां जर्मनी का यूरोफाइटर भी है। ये फ्रांस का राफेल फाइटर जेट है। ये नॉर्वे का F-18 सुपर हॉर्नेट है। ये बेल्जियम का F-16 भी है।
इन सबके टारगेट पर है पुतिन की राजधानी यानी मॉस्को। ये फाइटर हर दिशा से उड़ेंगे और इनके निशाने पर होगी रूस की कैपिटल। रूस पर सबसे बड़ी बमबारी के लिए यूरोप और नेटो की एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है। अगर ये विमान रूस की सरहद में घुस गए तो क्या होगा? क्या पुतिन इन्हें रोक पाएंगे या ये मॉस्को पर ऐसी बमबारी करेंगे कि नौबत वर्ल्ड वॉर की आ जाएगी? बाइडेन के पास अपनी एयर पावर को बढ़ाने का एक और तरीका है जिस पर पूरा नेटो लगातार गौर कर रहा है। ताकि किसी भी तरह रूस के 800 विमानों की टक्कर में 4 गुना एयर पावर तैनात की जाए और इसमें 3000 फाइटर जेट से भी ज्यादा की फोर्स पूरा नेटो उतारना चाहता है। ऐसा एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो 4 गुना फाइटर जेट का मुकाबला पुतिन कैसे कर पाएंगे? पुतिन की इसी आशंका को मजबूत करता है स्वीडन को नेटो में शामिल करने का प्लान। How fast Finland came in, and then how it has only been a year since Sweden sought membership, and we are confident that Sweden will come in the not too distant future, and that there will be unanimous support for that. यूरोप जाने से पहले बाइडेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो परिवार के साथ डेलावेयर में समुद्र किनारे धूप सेक रहे हैं। इस वीडियो में उनकी बेफिक्री बताती है कि पुतिन को काबू करने को लेकर उनका भरोसा जरूरत से ज्यादा बड़ा हुआ है। युद्ध के 500 दिन होने के बाद बाइडेन के लिए जेलेंस्की की मदद करना आसान नहीं रहा, लेकिन अब वो पूरे नेटो को लेकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसलिए बाइडेन यूरोप के दौरे पर आए हैं। ये दौरा उनके लिए बहुत खास है क्योंकि स्ट्रॉम शैडो जैसे हथियार यूक्रेन को दिए जाने के बाद पुतिन अब सीधे सीधे नेटो देशों को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन में बाइडेन की मुलाकात ऋषि सुनक से हुई है। दोनों के बीच काफी देर तक मीटिंग हुई और कहा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा व्लादिमीर पुतिन ही रहे। बाइडेन स्वीडन को लेकर पूरे यूरोप को भरोसे में लेना चाहते हैं। अभी तक स्वीडन को नेटो में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। अगर स्वीडन नेटो में शामिल हो जाता है तो समझ लीजिए कि उसके फाइटर जेट भी रूस पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। स्वीडन की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन वायु सेनाओं में गिनी जाती है। इसके विमानों का मुकाबला वाकई में नेटो और रूस के टॉप क्लास के फाइटर जेट से किया जाता है। इसमें सबसे खतरनाक क्रिपेन का आधुनिक वर्जन, जिसकी वजह से स्वीडन की एयरफोर्स को बहुत मजबूत माना जाता है। स्वीडन के एयरफोर्स के पास 150 फाइटर जेट है। ये सभी ग्रिपेन के अलग अलग वर्जन है, लेकिन एक अनुमान है कि स्वीडन के पास पुराने ग्रिपेन और बाकी फाइटर जेट को मिलाकर 1000 लड़ाकू विमान हो सकते हैं, जो सीक्रेट गोदामों में रखे गए हैं। ये फौरन उड़ान के लिए तैयार नहीं, लेकिन एक छोटे नोटिस पर जल्द उड़ान लायक बनाए जा सकते हैं। इन विमानों को स्वीडन ने छुपा कर रखा हुआ है, ऐसा कई खुफिया एजेंसियों और एक्सपर्ट्स का मानना है। स्वीडन का ग्रिपेन बहुत ही शानदार फाइटर जेट है, जो 5वीं पीढ़ी का तो विमान नहीं, लेकिन इसकी खूबियों के आगे दुनिया के कई फाइटर जेट 19 साबित हुए हैं। ये पहला फाइटर जेट है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मिटियोर से लैस किया गया। इस मिसाइल की रेंज 80 से 150 किलोमीटर तक है। ग्रिपेन के नए वर्जन में ऐसी 7 मिसाइल लगाई जा सकती हैं। इस मिसाइल को देखकर दुश्मन का सबसे जाबाज पायलट भी इससे फासला बनाए रखेगा। ऐसे ही हथियार हैं जो स्वीडन की वायुसेना को बहुत खास बना देते हैं। ऐसे ही हथियार हैं
जो किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित होते हैं, फिर चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। यही वजह है कि अगर नेटो के साथ स्वीडन आता है या ये नेटो के साथ मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ता है तो नुकसान में सिर्फ पुतिन की एयरफोर्स ही रहेगी, क्योंकि ग्रिपेन जैसे फाइटर जेट के शामिल होने से नेटो की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये डर पुतिन को भी है और उनकी वायुसेना भी इस खतरे को बहुत अच्छी तरह जानती है। मॉस्को के आसमान में नेटो के फाइटर जेट पहुंचे तो सीन कुछ ऐसा होगा। धमाके क्रेमलिन से लेकर रेड स्क्वायर के कोने कोने पर होंगे। कोशिश पुतिन की सत्ता को पूरी तरह हिलाने की होगी, लेकिन ऐसी बमबारी अगर हुई तो समझ लीजिए कि फिर विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये खतरा नेटो को भी है, ये पुतिन से लेकर बाइडेन तक सब जानते हैं, लेकिन डर यही है कि नेटो के फाइटर, चाहे वो F-35 हो या फिर यूरो फाइटर, वो F-16 हो या ग्रिपेन से लेकर रफाल तक, पुतिन के शहर पर टूटना चाहते हैं और बम बहुत ज्यादा बरसाना चाहते हैं। अब ऐसा डर क्यों है और यूरोप की मॉस्को के खिलाफ बड़ी तैयारी क्या है, इसे गौर से समझिए। नेटो ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा हवाई युद्ध अभ्यास किया है, जिसका नाम है एयर डिफेंडर। इसमें 25 देशों के 250 से ज्यादा जहाज शामिल हुए। इसमें 100 से ज्यादा विमान तो अमेरिका के थे। एक्सरसाइज में 10,000 से ज्यादा वायु सैनिकों ने रूस से युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस की। इसमें सिर्फ अमेरिका से ही 2,000 लोगों का स्टाफ शामिल हुआ। यानी इस पूरे युद्ध अभ्यास के पीछे बाइडेन कैंप की साजिश है, ऐसा पुतिन का मानना है। इस युद्ध अभ्यास में उत्तरी यूरोप से लेकर बाल्टिक देशों का पूरा एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया और जाहिर है यहाँ हर मिशन का टारगेट सिर्फ और सिर्फ रूस रहा, पुतिन की एयरफोर्स रही और रूस के कई शहर को टारगेट के तौर पर देखा गया। इस युद्ध अभ्यास में प्रैक्टिस की गई कि कैसे युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ मिशन शुरू किए जा सके, कैसे विमानों को एक बेस से दूसरे बेस और फिर रूस के करीब तक लाया जाए। बाइडेन बहुत ही प्लानिंग के साथ नेटो के विमानों को इकट्ठा करके पुतिन को लगातार डरा रहे हैं, पुतिन को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं और इसमें उनका फ्रंटलाइन फाइटर जेट F-35 सभी विमानों की अगुवाई कर रहा है। अमेरिका और रूस के बीच किसी भी बड़ी टक्कर में अमेरिका सबसे पहला वार इस फाइटर जेट से करना चाहेगा। अगर अमेरिका ने F-35 के जरिए युद्ध किया तो पुतिन इसके खिलाफ अपना सुखोई 57 फाइटर जेट लाएंगे। ये बहुत बड़ी टक्कर होगी जिसमें नुकसान का दायरा बहुत बड़ा होगा। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट अगर एक दूसरे के सामने उतरेंगे और उनका आमना सामना हो गया तो यूरोप के आगे की टक्कर होगी। ऐसे हालात में विश्व युद्ध को रोकना मुश्किल हो जाएगा और नौबत परमाणु युद्ध की भी आ सकती है। ये डर इसलिए क्योंकि इन फाइटर जेट्स की वजह से यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध होने का खौफ बढ़ने लगा है।